दावत में जा रहे हैं right. तो आप तैयारी में ज्यादा टाइम लगाते हैं या अब्बू तैयारी में ज्यादा टाइम नहीं नहीं बाबा बस 5 मिनट डन और आहत कितना टाइम लेते हैं 6 मिनट डन आता ही नहीं है पता नहीं ये ब्लो ड्राई करना है साइड से ब्रश को यहाँ से मारना है मुझे कुछ समझ नहीं आता सीरियसली कमरा फैला हुआ होता है नहीं कमरा साफ रहता है खुद करते हो कि अम्मा से करवाते हो वो नो कमेंट कौन ज्यादा तंग करता है आप बताओ अम्मी क्या तंग करती हैं आपको और आप बताएं आज आपको क्या तंग करती है नहीं नहीं उसने जो कहा था ना सफाई बहुत बहुत सफाई पसंद है सही है इसके कमरे से जब आप बाहर निकलते हो तो लगता है कोई भी रोना आता है तो रो लेता है मैं आई डोंट नो मैं बहुत इमोशनल हूँ फॉर सम रीजन मैं बस हूँ इमोशनल आई डोंट नो हाँ अच्छा तो दादा किसके कंधे पे सर रख के रोते हैं अम्मा के अब्बा के अपने तकिए पर किसने ज्यादा सहारा दिया अम्मी ने कि अब्बू ने तकिए ने आहद बीमार होते हैं तो शोर करता है या आसिफ साहब बीमार होते हैं तो शोर करते हैं आहद मैं थोड़ी सी भी उंगली भी कट जाए तो पूरे खानदान को पता होता है ओ माय गॉड पूरे खानदान को पता होता है कि इतना सा जो कट होगा वो पता नहीं वो पूरा जैसे कोई हाथ काट दिया पीपल देर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है इसको बेवकूफ बहुत इजीली बनाया जा सकता है मतलब मैं अच्छा अच्छाई में कह रही हूँ अच्छाई में कह रही हूँ अच्छा इसकी कोई एक ऐसी आदत जिसपे आज भी आप इसे डांटती हैं आज हाँ ये अपना कमरा बहुत गंदा करता है नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है आप क्या कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप सब ठीक होंगे खैरियत होंगे जी जनाब तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें तो मैं यहाँ पर वॉइस ओवर ख़त्म करूँगी तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़